नहीं, उसमें शायद मुझे मौका मिला काम करने का। मैं इन्वेस्टिगेशन हेड था जी जी उसका, जी और मैंने 32 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। और यकीनी तौर पर बाद मौजूद ऐसे थे जिन पर प्रेशर था, लेकिन मुझे ऐसा फ्री हैंड था। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल फ्री हैंड था। मेरे मुलाजमत छोड़ने की वजह ये थी कि तमाम तर मीडिया हमारे यहाँ, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तो मीडिया पे खास प्रेशर है। सर, आपकी आप जी जी आपकी एक टीवी से वाबस्तगी रही, और उसकी जो रफाकत कम होने की भी वजूहत इन्हीं इस जैसी ही है जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, उसमें शायद मुझे मौका मिला काम करने का। मैं इन्वेस्टिगेशन हेड था जी जी उसका, जी, और मैंने 32 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। और यकीनी तौर पर बाद मौजूद ऐसे थे जिन पर प्रेशर था, लेकिन मुझे ऐसा फ्री हैंड था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल फ्री हैंड था। मेरे मुलाजमत छोड़ने की वजह ये थी कि तमाम तर मीडिया हमारे यहाँ, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तो मीडिया पे खास प्रेशर है। और वो प्रेशर ये है कि एक तो उनके जो इश्तहारात का सिलसिला था वो थोड़ा कम हो गया, तो वो कुछ छांटियां भी कर रहे थे, तनहाएं कम हो रही थी, और किस्म के प्रेशर थे। इसी किस्म की सूरत हाल थी कि मुझे अपना, मैं जिस शोबे को हेड करता था, मेरे पास बहुत थोड़े लोग थे, मैं उनको निकाल नहीं सकता था, ना उनकी तनहाई कम कर सकता था। तो जब मुझ पर प्रेशर बढ़ा, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मुझे खुद छोड़ के जाना चाहिए, और मैंने अप्रैल 2019 में रिजाइन कर दिया उससे। मुझे उसके बाद वो बदकिस्मती ये हुई कि उसके बाद वो शोभा बंद हो गया, वो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बन रही है। लेकिन मैं वहां, मुझे इस किस्म के किसी प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा कि ये स्टोरी करनी है या ये नहीं करनी। मुझे आप मुझे एक बात बताएं कि आप का जिस तरह की सहाफत से वाबस्तगी रही, आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टोरीज गवर्नमेंट के इदारों के लिए तो सहूलत कार के तौर पे काम करती हैं? इस तरह की स्टोरीज तो गवर्नमेंट को चीजों को जज करने में आसानी पैदा करती हैं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी स्टोरीज पे किसी दूसरे तरीके से नजर रखते हैं और वो इनको बंद कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, होना तो यही चाहिए, और वो दुनिया में यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप ज्यादा खौफजदा होते हैं, अपोजिशन में जब आप होते हैं तो आप खौफजदा नहीं होते। हुकूमत में आकर आपकी लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां और खौफजदगी बढ़ जाती है, और ये तीनों चीजें मिलकर फिर आपकी कारकर्दगी को हर्ट करती है। तो फिर आप खौफजदगी में ही ये सोचते हैं कि अगर किसी अदारे के बारे में कोई मनफी रिपोर्ट आएगी तो लामहाला तौर पर उस, हो सकता है उस अदारे का वजीर, जो वजीर है, वो भी जद में आए। तो आप उसको सेक्रीफाई नहीं कर सकते, आप उसके बारे में यही सोचते हैं कि ये हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, अगर ये करप्शन में किसी जगह पे फंस रहा है तो ये हुकूमत की नाकामी है। हालांकि होता ऐसा नहीं है। अगर किसी अदारे, अगर रेलवे में या पीआईए में या किसी अदारे में करप्शन है या स्कैंडल्स हुए हैं और एक सिटिंग गवर्नमेंट के दौर में वो सामने आई हैं चीजें, तो प्राइम मिनिस्टर को और दीगर लोगों को उसको फोन करना चाहिए और उस आदमी को उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सॉरी, तो वो नहीं हो पाती है। उसकी वजह, एक और वजह भी है, हमारे यहाँ हुकूमतें इस किस्म की अपाहज होती हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो दो तीन अरकान के ऊपर भी नहीं खो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ना गिर जाए। तो ये खास बंदोबस्त भी हमारे यहाँ चलता है दरून खाना, कि ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि हुकूमत जो है वो बेचारी किसी कोई बोल्ड फैसला कर ही ना पाए। ऐसी सूरत में अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो इनको ये डर हो कि ऐवान में हमारी खीर तक हो जाएगी, ये भी सुख्याल है, लेकिन खौफजदगी ज्यादा है। यही बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब, वो जो बातें करते थे, जो दावे करते थे, जो मसाले देते थे, आज वही बातें, वही दावे, वही मसाले आज भी पूरी तरह मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में उनकी कोई राय नहीं है, कुछ भी नहीं है वो कभी भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये क्यों कहा कि हम कर्जा नहीं मांगेंगे। जिस किस्म की मैशत है, जिस किस्म के हमारे हालात हैं, कर्जा तो हमें मांगना पड़ेगा जी, सही बात। लेकिन ये वो जरूर कहते थे कि मैं करप्ट लोग नहीं लूंगा, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। मतलब जो काबिले अमल चीजें हैं वो भी नहीं हो रही। मुजाहिद, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक मीडिया है, उस टाइम, इस टाइम पे उसकी कुछ सूरत हाल इतनी बेहतर नजर नहीं आती,
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काफी लोग इबहाम का शिकार हैं, तो उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है और उसका जो किरदार है वो इस सूरत हाल में, इस कमजोर सूरत हाल में उसके किरदार पर कितना असर पड़ा है, इस हवाले से हमें मुख्तसर बताइएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत नाजुक सूरत हाल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इस वक्त। कोई भी एक भी टीवी स्टेशन चैनल ऐसा नहीं है जो खसारे में ना हो, तमाम चैनल खसारे में चल रहे हैं। और मैं नाम लिए बगैर आपको बता सकता हूं कि एक टीवी चैनल जो है उसकी कुल जो मंथली आमदन है उसकी वो 3 करोड़ है, और उसका जो अखराजात है जो खर्च कर रहा है वो 12 करोड़, तो वो 9 करोड़ के खसारे में चलता है। अभी जो आपको थोड़े नजर आ रहे हैं टीवी चैनल के, वो घिर नहीं रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इनके दूसरे बिजनेस है साथ, और कुछ कुछ टीवी चैनल के तो अपने ड्रामा चैनल हैं जो थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो न्यूज चैनल चलाना किसी तौर पर भी कोई सूदमंद बिजनेस कभी नहीं रहा दुनिया में, ना ये होता है। सूदमंद उसी सूरत में होता है जैसे इसे हमारे यहाँ करने की कोशिश की गई कि आप एक ताकतवर चैनल के मालिक हैं और आप हुकूमतों से, कमजोर हुकूमतों से, उनसे आप मराहत लेते हैं, आप उनसे बहुत सारे इशारात लेते हैं, उनसे बहुत सारे उनके साथ पैकेज डील करते हैं तो फिर चल जाता है। वैसे जहाँ मुल्क की मीशत सारे में है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आज हमारी इंडस्ट्री के पास कोई, अब टीवी इंडस्ट्री के पास आप देखें टीवी चैनल के पास कोई स्टार ही नहीं है, तो कम से कम मशरूबात के स्टार होते थे, पंखों के, बिजली के पंखों के स्टार आ रहे हैं, रूम कूलर्स के, लॉन के, अब वो भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपकी इंडस्ट्री अब बिल्कुल जो है वो बुरे हालात में है। इस सूरत में जब आपके पास कोई इशारात नहीं है और तो खसारा ही खसारा है, एयर टाइम से लेकर मिलियंस की तनखाएं लेने वाले एंकर वो सारे खसारा है। तो मैं सच्ची बात है, मुझे डर इस बात का है कि अगर ये कोरोना सूरत हाल इसी तरह रही, बिजनेस इसी तरह डामाडोल रहे, तो ये हमारे चैनल बिल्कुल या तो बंद हो जाएंगे या ये यूट्यूब तक आकर महदूद हो जाएंगे। और हुकूमत भी यही चाह रही है कि यूट्यूब के ज्यादा जो है वो चैनल बन जाए। इनकी मुझे सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आ रही है किसी भी टीवी की, किसी एक टीवी का नाम ले लें, एक दो ऐसे हैं जिनके अलग से थोड़े से कारोबार अच्छे लुक्रेटिव किस्म के हैं और वो तनख्वाह दे रहे हैं, बाकी तो तमाम बड़े बड़े हमारे स्टार टीवी जो है वो 5 महीने 3 महीने 4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। लोगों का बहुत बुरा हाल है, तनख्वाहें कम कर दी गई हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, और उसके बाद जो सूरत हाल है वो इससे भी ज्यादा डबल होता है। तो मुझे सच्ची बात है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा फ्यूचर है हमारे टीवी चैनल्स का जो आज से 5-10 साल पहले था। सूरत हाल तो अक्सर तब्दील हो गई। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद हुसैन, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को और आपसे वो ढेर सारी बातें हमने की जो अभी हमारे नाज़रीन सुनना चाहते थे। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया।